हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। विच सी हाउसेस द आर्किपेलेगो सी। तो आर्किपेलेगो सी कहाँ पे है? तो ये है बाल्टिक सी में। आंसर इज बी, बाल्टिक सी। और आर्किपेलेगो सी है जो पार्ट है बाल्टिक सी का, बिटवीन द गल्फ ऑफ बोथानिया। बोथानिया ये है, गल्फ ऑफ बोथानिया एंड फिन आइलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, और लोकेटेड विद इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ फिनलैंड। ओके, वेयर डू द डेयरी काउज ग्वेरनसे एंड जर्सी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। डेयरी काउ जो ग्वेरनसे और जर्सी है, ये ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? तो ये ओरिजिनेट होती हैं चैनल आइलैंड से। आंसर इज जी, आंसर इज सी। ये है चैनल आइलैंड्स और ये है, ये आपका ये इंग्लैंड वाला पार्ट है। ओके, ब्रिटिश आइलैंड्स हैं। ये है ग्वेरनसे, सार्क एंड जर्सी। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इज आर करेक्टली मैच। ह्यूमन सेटलमेंट के लिए करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो स्टार लाइक पैटर्न हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड। देखिए, ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स नहीं है ये। ये होता क्या है, इसमें सेटलमेंट्स ऐसा होता है कि ये जो सेवरल रोड्स होती हैं क्रॉस ईच अदर, दस मेकिंग स्टार शेप। ओके, सेवरल रोड्स होती हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, स्टार का फॉर्म बना लेती हैं, तो ये गलत है। टी शेप्ड पैटर्न फाउंड अराउंड द पॉइंट्स वेयर द सेवरल रोड ये देखिए, स्टार लाइक में टी वाले में दे दिया है और ये वाला इसके, ये टी शेप्ड जो है, टी शेप्ड में क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड एट द ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन होता है टी शेप्ड में और स्टार लाइक होता है, सेवरल रोड्स जो है क्रॉस ईच अदर होती हैं। ये तो अल्टरनेटिव दे दिया है, दोनों ही गलत हैं। आंसर इज नाइदर वन नॉट टू, आंसर इज डी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर ज्यूज एंड इथियोपियंस। ज्यूज और इथियोपियंस के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो ये टर्म है सेमिटिस, आंसर इज बी। और ए ट्राइब कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल लिंक्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ सोशल टाइज, ए कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कल्चरल हेरिटेज होते हैं उनको, जो ये सब जिसका होता है उसको ट्राइब कहा जाता है। और ज्यूज और इथियोपियंस के लिए इसका यूज किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? एपोगी क्या है? मून्स ऑर्बिट इज फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ। एपोगी कौन सा वाला है? एपोगी ये वाला की बात कर रहे हैं। देखिए, जो एपोगी होता है मून, ये है मून, ये भी मून है, ये भी मून है, ये आपका अर्थ है। जब मून अर्थ से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है उसको कहते हैं एपोगी। दिस वन इज राइट। और जो मून सबसे अर्थ से सबसे कम डिस्टेंस पे होता है उसको कहा जाता है पेरिगी। ओके, पेरिगी कहा जाता है जब मून सबसे कम डिस्टेंस पे होता है अर्थ से, और एपोगी जब ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, फार्थेस्ट डिस्टेंस। इसमें चार, देखिए, 405,400 किलोमीटर है, इसमें 362,600 किलोमीटर है। ओके, और एफिहिलियन के लिए देखिए क्या बोल रहा है, द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। नहीं, पेरिहीलियन जो होता है तब क्लोजेस्ट होता है, एपिहेलियन जब अर्थ बहुत ज़्यादा दूर होता है सन से तब उसको एपिहेलियन कहते हैं। तो दिस वन इज रॉन्ग। और ये जो सबसे नज़दीक कब होता है पेरिहीलियन वाला को कहा जाता है नियरेस्ट, और ये होता है 3 जनवरी को। और जो एपिहेलियन हो जाता है वो फर्थेस्ट होता है, ये होता है 4 जुलाई को। ओके, तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ओनली वन है, आंसर इज ए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नीप टाइट। नीप टाइट क्या होता है, कौन सा करेक्ट है नीप टाइट के लिए? नीप टाइट होता कब है? जब
जो सूर्य और चंद्रमा और जो हमारी पृथ्वी है उसकी पोजीशन ये राइट एंगल पे होते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, तब नीप टाइड होता है। और नीप टाइड मतलब लो टाइड, तब इस टाइम पे लो टाइड होता है। और स्प्रिंग टाइड मतलब हाई टाइड, हाई टाइड जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में एक लाइन में होते हैं तब हाई टाइड होता है, उसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ओके, और नीप टाइड को लो टाइड कहा जाता है। दे ऑकर व्हेन द सन मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, स्ट्रेट लाइन में होंगे तो स्प्रिंग टाइड हो जाएगा, है ना। दिस वन इज रॉन्ग। द टाइड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी लोअर देन द नॉर्मल। यस, नीप टाइड में कम, नीप टाइड जो होता है वो लो टाइड होता है तो नॉर्मल से कम होता है। दिस वन इज राइट। दे अकर ट्वाइस इन अ मंथ, नहीं, ट्वाइस इन अ मंथ नहीं होता है, सो दिस वन इज रॉन्ग। सो इसमें करेक्ट आंसर पूछ रहा है, आंसर इज बी, आंसर इज ओके बी। मिस्टर ट्रिच मिर इज द हाईएस्ट पीक इन विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन। मिस माउंट ट्रिच मिर, सॉरी माउंट ट्रिच मिर, ये हाईएस्ट पीक है कहाँ का, हिंदुकुश का। दिस वन इज हिंदुकुश, आंसर इज ए हिंदुकुश। हिंदुकुश माउंटेन इज लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड दे आर फोल्डेड माउंटेन रेंज। ओके, यंग फोल्ड माउंटेन रेंज में आते हैं। और माउंट ट्रिच मिर इज द हाईएस्ट पीक इज इन द हिंदुकुश माउंटेन। वॉट इज द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर कार्ड। मेंटल एंड द कोर, मेंटल एंड द कोर कहाँ पे मिलेंगे, दिस इज कोर एंड दिस इज मेंटल, ये वाले पार्ट, यहाँ आपका मेंटल ये कोर है, ये वाले पार्ट की बात हो रही है, इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग। ओके, आंसर इज बी गुटेनबर्ग। ओके, और देखिए कई सारी डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं जिसमें कॉन्ड्रैड, मोहरविक, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन, ये कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यू होती है। और क्रस्ट की जो डिसकॉन्टिन्यू होती है उसको कॉर्नेट कहते हैं। मोरविक जो डिसकॉन्टिन्यू होती है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। और ये रेपिटी को डिसकॉन्टिन्यूटी मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल के बीच में होती है। ये ग्यूटेनबर्ग है, मेटल और कोर के बीच में होती है। और ये लेहमन जो है ये कहाँ पे होती है, इनर और आउटर कोर में होती है। ओके, इन विच आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड। जो हमारी गैलेक्सी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ओरियन आर्म में लोकेटेड है, आंसर इज बी। द ओरियन आर्म इज द माइनर स्पाइरल आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, और आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द ओरियन आर्म। वॉट इज द प्लैनेट्स रोटेशन पीरियड ऑल्सो नोन एज। प्लैनेट्स रोटेशन पीरियड जो होता है इसको कहा जाता है स्टेलर डे। ओके, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्टार्स। डायमीटर ऑफ द स्टार्स को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इसको कहा जाता है इंटरफेरोमीटर, आंसर इज बी। इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड एन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्टार। और ये इन्वेंट कब किया गया था, 19th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा, ये इनका नाम था एल्बर्ट मिसेल, एल्बर्ट मिसेलसन। द डॉर्फ, वाइट डॉर्फ इज कैरेक्टराइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। वाइट डॉर्फ कैरेक्टराइज होता है कैसे, लो ल्यूमिनोसिटी एंड हाई टेम्परेचर, इससे ये होता है। और वाइट डॉर्फ में होता क्या है, ये लेफ्ट ओवर रिमेन्स होते हैं ऑफ अ जायंट स्टार, और जिसका फ्यूल खत्म हो गया होता है, रन आउट ऑफ अ फ्यूल। वॉट इज द अमाउंट ऑफ आयरन इन अर्थ। अर्थ में अमाउंट ऑफ आयरन कितना है, 34.6% है आयरन। ओके,
और अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, ये मास की बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल मास के। और जब क्रस्ट की बात कहा जाता है अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, तो ये 5.2% होता है। ओके, रोडेशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ व्हाट, रोडेशिया ओल्ड नेम है जिम्बाब्वे का, आंसर इज बी। रोडेशिया वॉज अंडर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट इन सदर्न अफ्रीका। ओके, सदर्न अफ्रीका का अंडर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट था कब, 1979 तक, उसके बाद इसका नाम जिम्बाब्वे रख दिया गया। नेक्स्ट टू सन विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का वो कौन सा है, तो इनमें जो दिया गया है उनमें है अल्फा सेंचुरी, इन जो ऑप्शंस में दिया गया है। वैसे तो देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी लगभग नज़दीक ही है, लेकिन डिस्टेंस 1839 है अल्फा सेंचुरी की, तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ओके, 1839 इसमें डिस्टेंस दे रहा है। ओके, लेक विनिपेग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, लेक विनिपेग लोकेटेड है कनाडा में, ये देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, और यहाँ पे आपका लेक सुपीरियर, मिशिगन, ये सारी लोकेटेड है। लेक विनिपेग जो है ये वेरी लार्ज है बट रिलेटिवली शैलो लेक है, जो जो प्रोविंस है कनाडा के वहाँ पे लोकेटेड है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजन फॉर द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 60 मीटर, लेस देन 60 मीटर की एनुअल रेनफॉल ये डेक्कन प्लेट रिसीव करता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है इट इज़ अ रेन शैडो जोन एरिया, आंसर इज ए। जब यहाँ से मॉइस्चर लेके हवाएं आती हैं तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट हैं, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से टकरा कर बारिश इधर साइड ही कर देती हैं और इधर साइड बारिश नहीं होती है, इसको ये वाला साइड जो होता है वो विंडवर्ड साइड कहलाता है, विंडवर्ड साइड, और इसको लीवर्ड साइड कहा जाता है, लीवर्ड साइड या फिर रेन शेडो जोन कहा जाता है। ओके, इधर साइड बारिश नहीं होती, इधर साइड बारिश हो जाती है। और ये वाला ऑप्शन जो कह रहा है इट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन, ये वाला ऑप्शन इसमें होता है इस वाले की वजह से, जब अरावली पर्वत जो है वहाँ से जब विंड यहाँ से निकलती है राजस्थान में पहुँचती है, लेकिन अरावली पर्वत एकदम पैरेलल में पड़ जाता है, इस वजह से बारिश वहाँ पे नहीं होती है, सीधा जाके वो हिमालय से टकरा कर इधर आपके नॉर्थ साइड में बारिश कर देती है। ओके, आंसर इज ए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, तो वेस्ट बंगाल में कितना परसेंटेज है, वेस्ट बंगाल में है 42.45%। ओके, और फिर अंडमान एंड निकोबार में है 12.39%, गुजरात में कितना है 23.66%, और आंध्र प्रदेश में कितना है, आंध्र प्रदेश में इन दोनों इन सबसे कम है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आएगा थर्ड गुजरात, फिर आएगा अंडमान, फिर उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश। 1, 3, 2, 4, आंसर इज बी। राघोपुर दियारा आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, राघोपुर दियारा आइलैंड जो है ये लोकेटेड है बिहार में, और ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो बिहार की वैशाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है, और ये रिवर आइलैंड है, कहाँ सिचुएटेड है, गंगा रिवर पर, गंगा रिवर पे सिचुएटेड है वैशाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। द कोल्ड डिजर्ट इन इंडिया इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कौन से प्लेस पे पाया जाता है कोल्ड डिजर्ट, देखिए लद्दाख में है, नदर हिमाचल रीजन में है, नदर
उत्तराखंड में है, नॉर्थ सिक्किम में भी है। तो ये सारे के सारे सही हैं, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड द स्टेट ऑफ नागालैंड इज सेपरेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज। मणिपुर और नागालैंड किससे सेपरेटेड है? तो ये जो मणिपुर और नागालैंड है ये सेपरेटेड है बरेल हिल से। आंसर इज डी, बरेल हिल, बरेल रेंज ये है आपका। ओके, बरेल रेंज से ये सेपरेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल नेम ऑफ ऊटी? ऊटी का ऑफिशियल नेम इनमें से क्या है? तो इसका है उदागमन दालम, उदागमन दालम। आंसर इज बी, ये ऊटी का ऑफिशियल नेम है और ये तमिलनाडु में है और इसको क्या कहा जाता है? क्वींस ऑफ हिल्स, क्वींस ऑफ हिल्स से इसको रेफर किया जाता है। ओके, और तमिलनाडु में है ये है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टिपिकल मानसून वेजिटेशन इन इंडिया? टिपिकल मानसून वेजिटेशन इनमें से है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आंसर इज बी। पेटिसीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पेटिसीमा जो प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेशन है कृष्णा और गोदावरी का। आंसर इज ए। पेटिसीमा ये विलेज है पोलावरम मंडल में, जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे। ओके, इंडियाज फर्स्ट फॉस्ट ब्रीडर रिएक्टर फॉर कमर्शियल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इन कल्पक्कम, कल्पक्कम है कहाँ? तमिलनाडु में। हैज़ द फॉलोइंग कैपेसिटी इन मेगावाट इक्विवेलेंट? तो इंडिया का फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमर्शियल पर्पज के लिए ये कितने मेगावाट का है? तो ये 500 मेगावाट इक्विवेलेंट के है। आंसर इज डी। If a match live commentary in Delhi commences at 10 a.m., at what time the viewer at London should tune into? तो जब हमारे इंडिया में दिल्ली में 10 बजेगा तो वहाँ पे कितना बजेगा? लंदन में, लंदन में बजेगा 4:30। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच जो मेन टाइम है वो 5.5 घंटे बिहाइंड है आईएसटी से, मतलब हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस 60% ऑफ साल्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो 60% साल्ट है कौन से स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है? तो ये गुजरात है। आंसर इज सी, गुजरात। 160 लाख टन का जो साल्ट प्रोडक्शन है वो गुजरात में ही होता है। ओके, और गुजरात के बाद किसका होता है? गुजरात है फर्स्ट, गुजरात के बाद है राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है, आंध्र प्रदेश है थर्ड नंबर पे। कौन आता है? आंध्र प्रदेश ये आता है थर्ड नंबर पे। फिर उसके बाद तमिलनाडु आता है आपका फोर्थ नंबर पे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।